अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र स्थित चंद्रवदय नगर इलाके में मंदिर में चोरी की वारदात करने आए एक चोर को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। चोर द्वारा मंदिर का ताला तोड़कर अंदर रखे दान पात्र में रुपए चुराने का प्रयास किया जा रहा था। मामले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें चोर वारदात को अंजाम देता नजर आ रहा है। चंद्रवदय नगर स्थित ओमकारेश्वर महादेव मंदिर समिति की सचिव मीना त्यागी ने बताया कि चोर दिन दहाड़े ही चोरी की वारदात करने पहुंचे था। वह पहले मंदिर के पास पेड़ के नीचे बैठा और राह देखते हुए सबके जाने का इंतजार किया। फिर बदमाश ने पत्थर से मंदिर के ताले पर 8 बार वार किया, जिससे वह ताला टूट गया। उसने अंदर रखे दान पात्र में पैसे चुराने का प्रयास किया। इसकी जानकारी मिलने पर सभी क्षेत्रवासियों ने उसे पकड़ लिया और इसकी सूचना रामगंज थाना पुलिस को दी। उन्होंने बताया कि पहले भी इस मंदिर में चोरी की वारदात हुई है, जिसके बाद उन्होंने मंदिर में सीसीटीवी कैमरे लगाए और यहाँ पूजा अर्चना के बाद ताला भी लगाया जाता है। इसके बावजूद यहाँ असामाजिक तत्वों का जमावड़ा है। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। अजमेर से उत्तराखंड के चार धाम यात्रा का पहला ग्रुप 9 मई 2024 को प्रस्थान होगा, जिसमें केदारनाथ के दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था एवं होटल में रूम की व्यवस्था, शुद्ध शाकाहारी भोजन एवं एसी बस की व्यवस्था के साथ आर के यात्रा कंपनी पैकेज दे रही है। संपर्क करें सोनी जी की नसिया, आगरा गेट, अजमेर, या स्क्रीन पर दिए गए नंबर से यात्रा की। ये मंदिर हमारा अजमेर चंद्रदाई नगर ए ब्लॉक में ओंकारेश्वर नाम मंदिर है। ये अच्छा बहुत सुंदर सा पार्क है, मंदिर है, सब है। यहाँ पे बड़ी चहल पहल रहती है, सुना नहीं है। और हमारी पंडितानी जी उसी समय 12 बजे ही यहाँ से निकली हैं, सुबह 6 बजे आती हैं, वो तब तक रहती हैं। उनके जाने के तुरंत बाद ही वो एक लड़का था, वो पहले तो बाउंड्री से आया, फिर वो पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ी देर वहाँ पे उसने लेटा, फिर धीरे धीरे चलता हुआ आया वो और आके उसने मंदिर के पीछे झांका, कांच में से झांका कि अंदर कुछ देखने का है या लेने का है, ऐसा कुछ करता रहा। मंदिर के सामने ही एक हमारे रहते हैं घर, उनका पोता वो ऊपर घूम रहा था। उसने सबसे पहले उसने देखा तो उसको लगा पहले शायद ऐसी कोई घूम रहा होगा, लेकिन जब उसने घूमते घूमते धीरे धीरे आया और एक पत्थर उठाया, पत्थर से उसने पीछे मंदिर के कमरे का ताला तोड़ा और उस पत्थर से उसने 8 बार उस ताले के ऊपर प्रहार किया और बाद में वो ताला टूट गया। उसके बाद वो अंदर गया, अंदर भी छोटी सी दान पात्र रखा हुआ था, उसके ऊपर भी उसने पत्थर मारा, उसको तोड़ने की पूरी कोशिश की है। जब तक वो लड़का भाग के हमारी सचिव हैं उनके पास गया, वो उधर से भागे, इधर से ये लड़का भागा, सबने भाग के उस लड़के को पकड़ा। पकड़ने के बाद भी वो छूट के फिर वापस भाग रहा था, तब उसने बड़ी मुश्किल से पकड़ के उसके पैर में थोड़ा सा लगाया भी ताकि वो भाग ना पाए, तब उनको बिठाया, पुलिस आई, पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस आई, पुलिस पकड़ के लेकर गई। पहले भी चोरी हो चुकी है? इससे पहले कई बार ये हमारे सामने घंटे लगे हुए हैं, बड़े बड़े घंटे थे, वो चोरी हो गए। उस तब तक हमारी व्यवस्था नहीं थी कि हमने कैमरे लगाए हुए थे, अब हमारी ये व्यवस्था है कि कैमरे लगाए हैं। और भी बहुत सारा कुछ शाम में रात में मंदिर में आपत्तिजनक लोग आते हैं, बैठते हैं, वो सब ही हम कैमरों में कैच करते हैं, इसी वजह से हमने कैमरे लगाए हैं ये। और अब रात के 9 बजे के बाद हम लोग मंदिर में दोनों गेट में ताला बंद कर देते हैं ताकि तो कोई भी बाहर से आए ना। मंदिर में चोरी हुई है या प्रयास ही हुआ इस बार? नहीं, चोरी प्रयास हुआ है, अभी तो प्रयास, प्रयास तो हुआ है। इसको लेकर के शिकायत दर्ज कराई? जी, हमने शिकायत दर्ज कराई है थाने में, आज पेपर में भी आया है और शिकायत हो चुकी है और वो लेकर चले गए, उसके बाद की कोई जानकारी हमारे पास नहीं आई है अभी।